फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बबीता राघव किचन में। तो आज हम बना रहे हैं मटर आलू ताहरे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये लिए हैं मैंने 2 कटोरी चावल। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला, हींग, लहसुन, हरी मिर्च, और ये आलू हैं, टमाटर हैं, मटर, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। तो इसमें डालेंगे गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे इस टेस्ट के लिए। और इसको हल्का सा क्रंची करके इसे बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम ताहरी बनाना शुरू करते हैं। ये डाल रही हींग, थोड़ा सा क्रश करेंगे इसे। और इसमें डालेंगे जीरा थोड़ा सा। जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज कटी हुई, अभी सॉटे करेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसका हीटिंग प्रोसेस थोड़ा तेज हो जाए। और इसमें डालेंगे टमाटर, थोड़ा सॉटे करेंगे इसे। दो चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे स्वाद अनुसार। मसाला भुन चुका है, अब इसमें डालेंगे आलू और मटर दोनों को। अब इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। अब इसमें 2 कटोरी चावल हैं, थोड़े भीगे हुए हैं, 15-20 मिनट भिगाए हुए हैं, उसको डालेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी, 2 कटोरी चावल है तो 4 कटोरी पानी डाला है, और वो भी बॉईल किया हुआ, जिससे कि चावल बहुत फास्ट बनते हैं। तो अब इन चावलों को 5 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए सिम गैस पर। उसके बाद देखिए हमारे चावल, हमारी ताहरी जो है तैयार हो चुकी है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए दही और आम के अचार के साथ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। गर्मा गर्म ताहरी तैयार हो गई है। अब इसे गार्निश करते हैं हरी मिर्च और गार्लिक जो हमने भुना था। होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज बबीता राघव किचन। तो इसमें अब 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ।
जिससे स्वाद उभर कर आएगा।